गाइस आज जो है थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, कुछ ग्रॉसरी का आइटम लेने। तो ये बहुत पुरानी शॉप है जिससे हम शॉपिंग करते हैं, मतलब ग्रॉसरी का सामान अपना लेके आते हैं हर बार। तो हमारे रेजिडेंस से थोड़ा सा दूर है, लेकिन स्टिल यहाँ पे सामान अच्छा मिलता है, मसाले दाल वगैरह। तो स्टार्टिंग से ही पहले मेरे पापा वहाँ से लाते थे, और क्योंकि अब हमें उसकी आदत हो गई तो अब हम वहाँ से लाते हैं। तो कहाँ जा रहे हैं, ये कालका जी के आसपास एक फेमस शॉप है जो कालका जी और गोविंदपुरी के आसपास रहते हैं दिल्ली में, तो पता होगा। तो वहाँ जा रहे हैं और सूर्य को देखिए और एंजॉय कीजिए। आ गए मेट्रो स्टेशन पे और अभी लेंगे यहाँ से मेट्रो, और उसके बाद एक मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी एंड देन हम पहुँच जाएंगे गोविंदपुरी के मेट्रो स्टेशन पे। वहाँ से फिर हम लेंगे रिक्शा। अच्छा, ये शॉप का नाम जो है वो पूजा मसाला स्टोर है, जो गोविंदपुरी या कालका जी में रहते हैं उनको पता होगा, काफ़ी फेमस है। तो लोग आते हैं दूर दूर से, दिल्ली NCR से भी यहाँ पर मसाले या फिर दालें वगैरह लेने। बहुत ऑथेंटिक सामान मिलता है सारा, और हैंडमेड रहते हैं इनका सारे जितने भी मसाले स्पाइसेस हो या दाल वगैरह। तो अभी मेट्रो का वेट करें, थोड़ी देर में मेट्रो आ जाएगी, फिर चलते हैं आगे। तो गाइस यहाँ पे पहुँच गए हैं हम लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन, और अब यहाँ से हम जाएंगे गोविंदपुरी के लिए मेट्रो चेंज करेंगे। और गर्मी है लेकिन मेट्रो में ज़्यादा पता नहीं लगता है, तो अभी मेट्रो चेंज करेंगे गोविंदपुरी के लिए। लाजपत नगर उतरे थे तो चलना पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन है ये, तो कोई बात नहीं, आगे का व्यू एंजॉय कीजिए, वीडियो पूरा देखना है। गाइज हम पहुंच गए हैं गोविंदपुरी जहां हमें आना था, तो अब यहां से लेंगे हम ऑटो, तो आप पहुंच के दिखाते हैं। लेने पहुंच गए हैं, तो इतना अभी यार सामान आ रहा है, दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ आ रहा है। तो ये जो शॉप है वो गोविंदपुरी की बहुत ही फेमस शॉप है, और ये भी थोड़ा सा सामान मैंने लिस्ट दे दी है, तो भैया धीरे धीरे ला रहे हैं। ये अचार के डब्बे रखे हैं, अचार इनका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत अलग अलग वैरायटी है इनके पास, तो हम भी आज 1 किलो अचार ले रहे हैं आम का, बहुत टेस्टी होता है। आते हैं यहाँ पे चिप्स खाना शुरू करती हैं। <नहीं। laughs>
तो गाइस ये तीन तीन थैले भर के फाइनली शॉपिंग हो गई है और बिल बन गया बहुत तगड़ा। अभी दिखाएंगे बिल कितने का आया है। फिलहाल तो अभी यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे इस एरिया में। तो ये पूरा गोविंदपुरी का एरिया है। गाइज आ गए हैं घर फाइनली और सारी शॉपिंग जो ग्रोसरी का आइटम थे वो ले लिए थे। ये शॉप पे हम इसलिए जाते हैं क्योंकि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट शॉप है जो गोविंदपुरी है। उस तरफ मसालों की और ग्रोसरीज की, दाल वगैरह काफी ऑथेंटिक सामान यहाँ पे मिलता है, जेन्युइन सामान मिलता है, हैंडमेड प्रोडक्ट रहते हैं इनके। तो बहुत टाइम से पहले मेरे पापा लेते थे यहाँ से, काफी सालों से, फिर मैं जाता था उनके साथ, तो फिर अब मुझे भी आदत लग गई है क्योंकि वहाँ के मसाले खाने की आदत हमें हो गई है। तो अभी वहाँ का ही सब कुछ अच्छा लगता है। तो देखते हैं कितने का सामान पड़ा है इस बार हमको और वर्थ है सारा का सारा जो भी हम लाए हैं। तो देखते हैं जल्दी से। तो ये सामान है कुछ जो हमने लिया है, ये दो तीन पॉली बैग हैं एक्चुअली, एक तो बाहर रखा उसमें अचार है, ये कुछ है। और बिल दिखा देते हैं कितने का सामान, ये इसका बिल है। तो टोटल इसमें सारी क्वान्टिटी मिला के जो है वो 46 आइटम है, क्वांटिटी 46। तो ये टोटल है इसमें जो बना है और ये सारा मिला के जो ग्रैंड टोटल है वो ये है, अराउंड 4500 रुपीज़ का ये बिल बना है। अब ये बिल जो है, वैसे इसमें सामान काफ़ी ज़्यादा है तो ये हमारा लगभग 2 से 2.5 या 3 महीने तक ये सामान आराम से चलेगा। जितनी क्वांटिटी हमने ली है तो आप ये कंसिडर कर सकते हो कि 1000 से 1500 रुपये ईच मंथ के हिसाब से ये हमको पड़ गया है। 4500 रुपीज़ टोटल हमने पे किए हैं, लेकिन ये लगभग 3 महीने का सामान है हमारा आराम से। तो अभी 3 महीने तक अपने को कुछ भी नहीं लेना है, मसाले वसाले दालें वाले सब चल जाएंगे आराम से। एंड इनका जो अचार है वो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है, उसी के लिए मैं मोस्टली गया था। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो या फिर वहाँ से कोई सामान परचेज करता है हमारी तरह तो उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी सामान तो ये नॉर्मल जो ग्रॉसरीज के प्रोडक्ट्स होते हैं ये सब कुछ, इलायची वगैरह, दाल वगैरह, ये कुछ हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लिए थे इस बार। और बाकी यही सब है, यहाँ के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, ये कुछ हमने ड्राई फ्रूट्स भी लिए हैं बच्चों के लिए। तो बाकी तो इतना ही है और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो यहाँ से अब करते हैं साइन ऑफ और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।